ये रेसिपी बनने को मैं 15 से 20 से 25 मिनट लग जाएगी। पूरी तैयारी हो गई है, सामान सब आ गया है, सामान सब हमने लगा के रख दिया है। तो चलो अब हम शुरू करते हैं। हेलो, हाउ आर यू, कैसे हो आप? ठीक हो ना? मैं भी ठीक हूँ। आज हम क्या बनाएंगे? आज हम बनाएंगे मिक्स वेजिटेबल की सब्जी। तो हमें क्या क्या सामग्री चाहिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। वेजिटेबल सब्जी बनाने के लिए हमने लिए है आलू, मटर, ये बीन्स यानी फरसवी, ये हमने लिए है गाजर, कैरेट, ये हमने लिए है टमाटर, ये फ्लावर यानी गोभी फ्लावर, ये हमने लिए है शिमला मिर्ची, ये हमने लिए है प्याज। अभी मैं आपको सब सब्जियां तो मैंने दिखा दी, अब मैं आप एक को दिखाती हूँ हमें क्या क्या मसाला चाहिए। उसके लिए हमने लिए है ये लहसुन, ये हल्दी पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, ये लाल मिर्च पाउडर, जीरा, ये कटा हुआ हरा धनिया, ये हींग और ये गरम मसाला। इतनी सामग्री हमें चाहिए मिक्स वेजिटेबल बनाने के लिए। हाँ, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ग्रेवी बना लेते हैं प्याज टमाटर और लहसुन की। तो चलो हम ग्रेवी की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है ये जार, हम इसमें डालेंगे कांदा, टमाटर और लहसुन। ये हमने इसमें ले लिए है प्याज, है टमाटर और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी लहसुन। हमें इतना ज़्यादा लहसुन नहीं चाहिए, मैंने 6 से 7 कड़ी लहसुन की ले ली है। तो हम इसमें डालेंगे लहसुन और अब हम इसे ग्राइंडर में मिक्स कर लेंगे, उसकी ग्रेवी बना लेंगे। तो चलो हम कर लेते हैं, ये जो टमाटर, प्याज और लहसुन हमने आपके सामने मिक्स की है उसकी ग्रेवी बना लेते हैं। अभी हमारी ग्रेवी रेडी हो चुकी है, हम इसको निकाल के साइड में अभी रख देते हैं। हाँ, तो चलो हम वेजिटेबल सब्जी बनाने की तैयारी करते हैं। हमारी ग्रेवी भी हो चुकी है, तो मैं लेती हूँ ये पैन और मैं गैस चालू कर देती हूँ। पैन में हमें सबसे पहले डालना है तेल, तो तेल भी हमारे पास रेडी है, तो ये मैं तेल भी ले लेती हूँ। हमें करीबन 5 से 6 चम्मच बड़े तेल लेना है, तो मैंने 5 से 6 चम्मच इसमें तेल ले लिया है, आप देख सकते हैं। हाँ, तो हमारा तेल गर्म हो चुका है, हमें गैस अभी स्लो कर देना है। हमें डालना है उसमें जीरा, हमें 1/2 चम्मच जीरा डालना है। हमें डालना है हींग और हमें सबसे पहले आलू डाल के उसको अच्छी तरह जरा भूंज लेना है। हमें इसे 2 से 3 मिनट तक ऐसे फ्राई कर लेना है, पूरा पका लेना नहीं है, थोड़ा ही उसको सोते कर लेना है। अब हम इसमें डालेंगे ये जो हमने फ्लावर के टुकड़े लिए हैं वो, हाँ इतने बड़े रखने हैं क्योंकि हम उसमें पानी डालेंगे, ये डालेंगे तो हमारा फ्लावर एकदम छोटा हो जाएगा और मज़ा नहीं आएगा। तो फ्लावर के टुकड़े भी आलू के जैसे बड़े बड़े ही लेने हैं हमें, उसे भी हमें 2 मिनट पका लेना है अच्छी तरह। हमें गैस स्लो ही रखना है, गैस फास्ट नहीं करना है, उतना ख्याल रखना, नहीं तो हमारा सब्जी जल जाएगी। ये हमारे फ्लावर हो गए, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी शिमला मिर्च। हाँ, तो हमारे ये सारी सामग्री थोड़ी बहुत कच्ची नहीं है, थोड़ी बहुत पक गई है, तो मैं उसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ। अब हमें इसमें डालनी है, हमने जो ग्रेवी पीस के रखी थी ना, वो ग्रेवी इसमें पका लेनी है हमें। हमने सारी ग्रेवी निकाल ली है, हमें ग्रेवी को 5 मिनट तक पकाना है, अच्छी तरह से वो न पक जाए तब तक हमें ग्रेवी को पकाना है। जब तक हमारी ग्रेवी तेल नहीं छोड़ती है तब तक हमें ग्रेवी को पकाना है। हाँ, तो अब हमारी ग्रेवी रेडी हो गई है, ग्रेवी ने तेल छोड़ना भी शुरू कर दिया है, आप देख रहे होंगे।
कि हमारी ग्रेवी ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे सारे मसाले। हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, ये धनिया पाउडर, एक बड़ा चम्मच भर के हल्दी पाउडर आधा चम्मच, एक चम्मच मिर्ची पाउडर और एक चम्मच गरम मसाला। ये सब हमने मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें डालनी है हमें जो ये बटर, ये बीन्स, ये गाजर, ये हमने धो के साफ करके रखे हैं, वो मैं अंदर डाल देती हूँ। हमें उसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये सारे वेजिटेबल हमारा अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब जो हमने ये वेजिटेबल जो हमने थोड़ा फ्राई करके रखा है वो भी मैं अंदर डाल देती हूँ और उसे भी अच्छी तरह हमें मिक्स कर लेना है। आपने देखा हमारा पूरा वेजिटेबल सब जगह से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी, करीबन एक गिलास जितना पानी डालेंगे। वापस हम मिक्स कर लेंगे और हम कुकर में इसकी दो सीटी लगा लेंगे। हाँ, तो हमारी सब्जी देखो कितनी अच्छी लग रही, लेकिन थोड़ा पकाना चाहिए ना, तो मैं कुकर को ढक्कन लगा के दो सीटी बजा लेती हूँ और बाद में आपको एक मैं बताती हूँ ट्रिक। हाँ, अगर आपको ग्रेवी नहीं बनानी है, ग्रेवी वाली सब्जी नहीं बनानी, मतलब इसमें ग्रेवी रहेगी नहीं लेकिन आपको ग्रेवी वाली सब्जी नहीं बनानी है, तो आप मिक्स वेजिटेबल सब्जी में प्याज और टमाटर काट के भी डाल सकते हैं और ग्रेवी बना के भी डाल सकते हैं। आपको जैसे ठीक लगे वैसे आप डाल सकते हो। तो चलो हम अभी दो सीटी बजा लेते हैं। हमारी ये दो सीटी बज चुकी है। चलो अब हम गैस बंद कर देते हैं। 5 मिनट कुकर ठंडा होने के बाद हम खोल के देखेंगे कि हमारी सब्जी रेडी हुई है या नहीं। हाँ, तो चलो अब हम कुकर खोल के देख लेते हैं कि हमारी सब्जी रेडी हुई है या नहीं। मिक्स वेजिटेबल की सब्जी रेडी हो चुकी है, फिर भी मैं एक बार देख लूँ हमारे मटर मटर अच्छी तरह पक गए हैं या नहीं। हमारे मटर भी देखो अच्छी तरह पक गए हैं। तो चलो अब आपको मैं दिखा देती हूँ, बाउल में सजा के आपको मैं दिखा देती हूँ हमारी सब्जी। लीजिए, हमारी मिक्स वेजिटेबल सब्जी तैयार हो चुकी है। अब हमें थोड़ा धनिया डाल के ऊपर सजा देंगे। हाँ, लेकिन हमें सब्जी की तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आ जाओ आप भी खाने को। मैं भी पराठा तैयार करती हूँ, चपाती तैयार करती हूँ, पूरी तैयार करती हूँ। आपको जिसके साथ खाना है उसके साथ खा लीजिए। हाँ, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है मिक्स वेजिटेबल की, तो आप मेरी चैनल को सेव कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।